बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। हमेशा मैं आवाज़ उठाता हूँ, हमें एक होना पड़ेगा, फिरकों से बाहर आना पड़ेगा, हमें सिर्फ मुसलमान बनना पड़ेगा, हमें अपनी सफ़ों में इतिहाद लाना होगा। 56-57 मुल्क हों और चंद मुट्ठी भर यहूदी हों, आप उनको भी कंट्रोल ना कर सके। वजह, आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। हमें इत्तेहाद करना है आपस में, हमें जागना है हमें आपस में। एक नजायज़ रियासत इसराइल, जिसको हम नहीं मानते, जो काबज है, आप कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, आप कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, आप में सब कुछ है, अब आपने उठना है। और जो मुस्लिम कंट्री है उन्हें जागना है। कितने हैं वो? आप करोड़ों में हैं और वो सिर्फ 84 लाख। मैं अभी निकाल रहा था, 100 मुसलमान के हिस्से में 7 आते हैं यहूदी। आप तो उनको थप्पड़ मार मार के मार सकते हैं, मगर जज्बा वो नहीं है आपके अंदर। जो सहाबा इकराम वाला जज्बा था ना, कलमा वही है, मगर जज्बा वो नहीं है आपके अंदर। वो जज्बा ईमान पैदा करें और जहाद के लिए तैयार हो जाए। ये जहाद का वक्त है। अमन भी तब होता है जब जंग होती है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे और हमारा साथ देंगे इस सिस्टम को, मुसलमानों को जगाने के लिए, दीन का निज़ाम लाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि जो हमें कुरान कह रहा है हम उस पर अमल करें, जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रही है, जो करके दिखाया है, हमें उस पर अमल करना है। उम्मीद है हम इंशाल्लाह बेहतर कौन बन सकेंगे।